मुंबई के एंटीलिया मामले की गूंज अब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपने आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है, तो संसद में बीजेपी ने इस मामले को उठाकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर कई आरोप लगाए। राज्य सरकार के बचाव में एनसीपी प्रमुख शरद पवार सामने आए और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी, लेकिन पवार के दावों पर ही बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। तो एंटीलिया मामले में आज क्या कुछ हुआ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। एंटीलिया मामले में आज देश की संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। शिवसेना सांसदों ने मामले को संसद में उठाने का विरोध किया तो बीजेपी की ओर से दोनों सदनों में इसे पूरी ताकत से उठाया गया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है। पहले जो काम देश के विरोधी करते थे आज मुंबई पुलिस कर रही है। दूसरी ओर लोकसभा में बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है, न जाने कितने करोड़ की वसूली की जा चुकी है, कौन किसके लिए काम कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बीजेपी के सांसद मनोज कोटक ने तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर दी, जबकि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि जब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार थी तब शिवसेना सुप्रीमो ने उन्हें फोन पर वाजे को दोबारा पुलिस सेवा में लाने की सिफारिश की थी। आखिर एक 16 साल से निलंबित पुलिस वाले की पैरवी उद्धव ठाकरे क्यों कर रहे थे, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। लोकसभा में शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी है तब से ही उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। संसद में महाराष्ट्र सरकार घिरी तो उसके बचाव में एनसीपी प्रमुख शरद पवार आगे आए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उन्होंने इसीलिए बोली क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो नागपुर में ही थे, जबकि परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा था उसमें ये दावा किया गया कि फरवरी मध्य में सचिन वाझे और अनिल देशमुख के बीच उनके मुंबई स्थित ज्ञानेश्वर बंगले पर मीटिंग हुई थी। परमवीर के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। पवार ने दावा किया कि अनिल देशमुख का स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन पवार के दावे के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने अनिल देशमुख की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी कर दिया जो 15 फरवरी का बताया गया है। पवार का दावा गलत निकलता दिखा तो अनिल देशमुख खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 फरवरी की ही है, लेकिन वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी। एनसीपी की ओर से परमवीर के दावे को खारिज किया गया तो परमवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाते हुए 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के टारगेट वाली बात उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बताई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर अफसर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए। परमवीर के दावों में कितना सच है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन परमवीर के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार जरूर मुश्किल में दिख रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।